Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। नवीन जी, घर घर बिग बॉस तो हमने शुरू कर लिया, आज बहुत ही गर्मा गर्म ऑडियोज हैं अपने पास। तो उससे पहले मैं नंबर बता देता हूँ। नंबर है दोस्तों, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं, 9833155523। जल्दी से भेजिए जैसे इन सब लोगों ने भेजा है। तो शुरुआत करते हैं नए व्यूअर से जो हमारे साथ जुड़े तो पहले से हैं, मगर घर घर बिग बॉस में उन्होंने पहली बार ऑडियो भेजा है। शुरुआत करते हैं फैज से। जी, हेलो सर, ये मेरा पहला वीडियो है, ऑडियो है हंगरी स्पिरिट घर घर बिग बॉस का। मैं आज बात करूंगा बिग बॉस सीजन 14 के शो के बारे में। तो सर, ये जो पहले तो ये रिव्यूवर्स है, जैसे कि एंडी कुमार है, कामिया पंजाबी है और ये शिफाली बग्गा है, वो लोग सारे मिलकर सिर्फ इजाज के बारे में बुरा बोलते हैं। उनको ये है कि हमारे फैंडम को उन लोग रूबीना को राहुल को उन लोगों की गलती होगी, तो फिर भी वो इजाज की गलती तो चढ़ाएंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन रूबीना राहुल उन लोगों के बारे में कुछ ट्वीट किया तो उनके फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो वो ट्रोलिंग हो जाएगी। और जो रिव्यूअर है जो रिव्यू करते हैं हर बार, वो भी जज के बारे में बुरा ही बोलते हैं। और गेम में राहुल रूबीना इन लोगों को अभी भी टॉप टू ठहराया जा रहा है। वो रूबीना की गेम क्या है सर? कुछ नहीं है सर गेम उसकी रूबीना की। वो करती क्या है घर में? बोरिंग है पूरे। और अभिनव को तो कुछ, अभिनव को निकाल देना चाहिए, इसकी वजह से ऐसे ये तो अभिनव टॉप 5 तक चला जाएगा ऐसे ऐसे तो। और ये राहुल ने इसको चमन बोला था इजाज को, और फिर इजाज ने बाद में उसको टकला बोला, तो वो गलती हो गई इजाज की। अगर वो चमन उसको बोले तो उसमें कुछ नहीं। वाह। और ऐसे ही इन लोगों ने इजाज को पूरा टारगेट करते हैं, सब मिलकर टारगेट करते हैं इजाज को। और कल के आपने लेट नाइट मसाला में देखा होगा, जस्मीन और ये जस्मीन अली और अभिनव बात कर रहे थे कि अब हमें इजाज को कुछ ज़्यादा फुटेज वो देना नहीं है, तो फिर आप लोग उनसे फुटेज लेते हो। अली को मैं बोल रहा हूँ, अली और जस्मीन को, आप लोग उनसे फुटेज ले रहे हो, इजाज नहीं ले रहा, आप इजाज को टारगेट करते हो, उनसे फुटेज ले रहे हो। और इन लोगों का ये रिव्यूअर कामिया पंजाबी का बात की जाए तो वो इजाज को इनका इसका फेवरेट पहले एक कविता कौशिक थी, फिर अभी इसका रूबीना है, फिर कभी राहुल की भी बात करती है। और जब जब इजाज सही होता है, अभी 2 दिन से इजाज की फाइट हो रही थी राहुल से, इजाज सही था तो उसके बारे में कुछ ट्वीट नहीं किया उसने कि इजाज तुम सही थे, इजाज तुम सही थे। और शिफाली बग्गा भी पूरा, जो भी अगर गलती इजाज की हो भी ना, फिर भी ये इजाज को ही टारगेट करना है, इन लोगों का इजाज का ही उनको करना है। और ऐसे अभी ये बात अभी आई देखिए कि रूमीना दिलेक को बना दिया गया कैप्टन, सलमान सर ने बना दिया कैप्टन, तो ये तो देखो सर अनफेयर हुआ ना, तो इजाज को क्यों नहीं बनाया? इजाज तो अच्छा कैप्टन था, बेटर कैप्टन था, सिर्फ इसलिए उसको बना दिया कि कभी रूबीना लड़ी नहीं और इसके लिए। तो सर ऐसे तो ये तो फिर हर बार ये नेपोजिशन से ये तो जीत ही जाएगी रूबीना। और बाकी मैं आपके ये घर घर बिग बॉस का हंगरी स्पिरिट्स का बहुत अच्छा फैन हूँ, आप भी इजाज को सपोर्ट करिएगा, इजाज सही है, आप उनको दिखाना अपना सपोर्ट। और वोट भी अगर आप वोट करने बोल रहे हो, आपको जिनको वोट करना है करिएगा मैम सर, और कीप सपोर्टिंग इजाज, फैन हूँ आपका, लव यू। तो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है फैज बिग बॉस 14 को देखने में, और काफी चीजें आपकी सही हैं फैज की। जो लोग बाहर ट्विटर पे कमेंट्स डालते हैं वो अपने एक सर्टन जो खिलाड़ी है उसके फेवरेट उसके लिए फेवरिज्म करते जी, हैं बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, तो ये चीज आपकी सही है। और एजाज को ज्यादा लोग ट्वीट पे उनको नहीं ऐसे कर रहे हैं फेवरिज्म उनके लिए, तो आपको ये चीज का है थोड़ा सा दुख, तो बिल्कुल आपकी बात सही है। बाकी खेल है,
खेल में ये जो बाहर वाले हैं वो भी खेल ही रहे होते जी हैं, बिल्कुल खेल रहे होते हैं, बाहर पे पकाया था तो पे बाहर इनको चीजों के पैसे मिलते हैं, मिलते सैलरीज हैं। फिक्स होती हैं, पीआर टीम्स होती जी हैं जी जी जो कि जी ये सारा काम करती है। जी बाकी आप एजाज के फैन हैं और आपको एजाज की गेम अच्छी लग रही है, एजाज अच्छा खेल भी रहे हैं, तो आप अपने तरीके से जितना सपोर्ट कर सकते हो उनको आप कीजिए, तो आपके ऑडियो का वेलकम है, आगे भी वेट रहेगी आपके ऑडियो की। थैंक यू सो मच। तनवीन जी आगे किसका ऑडियो सुनाऊं आपको? आगे पंजाब साइड से सुना हाँ ठीक है, थोड़ा फ्लेवर, दीजिए। क्योंकि ऐसा ही वो भी एजाज के फैन है राज शर्मा, उनका ऑडियो सुनाते हैं। हेलो सर, मैं हूँ राज शर्मा, हंगरी स्पिट्स रॉक्स। सर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहता हूँ। फिर सर कल भी देखा होगा आपने कि राहुल एजाज से फिर बेवजह पंगे ले रहा है, बात मन्नू और राहुल की हो रही है और एजाज को बीच ला रहा है। वो क्यों पंगे ले रहा है एजाज से, मेरी समझ से बाहर है। पर उसको पता है कि एजाज बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसको मतलब हराना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। वो बिग बॉस के घर से बाहर इसलिए गया था कि वो उसकी गेम को समझ सके। वो समझा अच्छा है कि यार इतनी अच्छी गेम खेल रहा है एजाज, कुछ सीख ले इससे भाई, 1% तो गेम सीख ले। तो उसकी उसकी बुराइयाँ कर रहा है हर किसी के सामने, एजाज ऐसा है एजाज वैसा है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बिग बॉस के 13 सीजन तक बहुत दूध के धुले आए हैं यहाँ पे सब। इससे बहुत ज़्यादा बीचिंग हुई है आज के बाद पहले भी, इसलिए सब अपना गेम खेलो। और राहुल, मुझे नहीं लग रहा है राहुल अब टॉप 3 में भी जाएगा, जिस हिसाब से गेम चल रही है उसका फुटेज लेने के लिए हर किसी पर जाना पड़ रहा है। कभी नेकी के बीच में बोलता है, लड़कियों के बीच में बोल रहा है, उसका मैटर भी नहीं है वहाँ बोलता है। उसको वन लाइनर का बादशाह कहा जा रहा है, बात किस बात का वन लाइनर, मेरी समझ से तो बाहर है। वही जहाज को बहुत कुछ बोलता है गलत, सीनियर एक्टर है यार, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट रखो। कम से कम भेज पंखे तो मतलब होते इजाज़त, आप भी इजाज़त तौर से बात भी नहीं कर रहे, अब फिर भी उनको मतलब टारगेट कर रहे हो। अली को देख लीजिए, कल अली इजाज़ को कह रहा था कि आप मुझे सपोर्ट करो क्योंकि मैंने भी आपको सपोर्ट किया है। अली भी जता रहा है कि जो उनका ट्रिगर पॉइंट था उसमें मानता हूँ अली ने उनको सपोर्ट किया है, पर वो अब जता के वो जो उनके लिए कुछ किया वो भी बंद कर देते हो। अजान ने कहा था भाई मैं तुम्हें सपोर्ट कर देता हूँ, पर राखी पहली होगी ठीक है ना, क्योंकि एजाज इम्यूनिटी चाहता था कि मुझे अगर तू कैप्टन बनता है तो मुझे बचाए, मुझे सुरक्षित करे। और एली बोलता था नहीं मैं जैस्मिन को बचाऊंगा, रूबीना इनको सेव करेगा, एजाज को अपनी गेम खेलनी चाहिए, वो खेलेगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये राहुल और जेलस क्या है एजाज से। इनका एक सुल्ताने खड़ा होना चाहिए जिसमें एजाज बुरी तरह पटक देगा राहुल को। और एजाज को सब सपोर्ट करो, हंगरी स्पिरिट्स को सपोर्ट करो, सब बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं यहाँ पे। मैं राशन बठिंडा से, गुड बाय, अलविदा, बाय। ये सही है, इनको बिल्कुल बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब कोई एजाज को तंग हाँ, मतलब करता है। बिना बात के तंग करता है तो बिना इनको बात तकलीफ होती के है। कहते हैं कि आज देखो आज फिर से ऐसा हाँ, हुआ। आज फिर से और कल फिर होगा, ऐसा नहीं है ये रुकने वाला, ये खेल ही ऐसा है। हाँ इसमें अगर पता चल गया कि ये मेरे से तकलीफ इसको होती है तो उसको बार बार तकलीफ दी जाती है, तो खैर बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप एक दो बार में आप उसको बॉदर नहीं करोगे आप कुछ तो फिर और नहीं उकसाएगा। नहीं और ये उकसाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि फिर अर्शी खान ने भी तो विकास गुप्ता को उकसाया ही था भैया, बिल्कुल वो बिल्कुल सही बुरी कह रहे हैं, क्यों। वो बुरी क्यों, करेक्ट है। लेकिन तो ये है अज्जू जी, सोचना हर बंदे का, जैसे आपने कहा था ना कि वो पहला ऑडियो सुनाया था और कहा था कि हर बंदे का अपने कंटेस्टेंट के प्रति उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं। हाँ तो यहाँ पे अगला जो कंटेस्टेंट है वो क्योंकि राहुल वैद्य के फैन है तो वो हाँ उस तरीके से फिर बात इसी चीज को वो कैसे पेश करते हैं आप हाँ बताइएगा। तो डेफिनेटली, तो कल्पना जोशी जी का ऑडियो सुनाती हूँ जो राहुल की बहुत बड़ी फैन है। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मैम ने बोला मुझे वॉल्यूम कम करने के लिए, मेरे घर में बोलते तो वॉल्यूम बड़ा क्यों नहीं, जोर से बात करते सुनाई नहीं देता, तो अब मैम ने बोला वॉल्यूम कम करने के लिए। मैं इतना हंसी थी, थैंक यू मैम। और अब बिना बकवास करे हम चले जाते हैं बिग बॉस के घर के अंदर और कल का गेम के लिए बोलते हैं। देखो कल भी बोलेंगे हम, इजाज खान के फैन बोलेंगे कि राहुल उंगली करता है भाई, आप खुद देख लो, एक नाम लेने में किसी को इतना प्रॉब्लम होता है तो वो गेम में क्यों आया है, क्यों रह रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। अब गेम घर के अंदर हो, गेम में हो तो आपका नाम लिया जाएगा, तो क्या नाम लेने में आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने क्या बोला मन्नू को, बोला कि
तू फ्रेंडशिप में फंस गया। फ्रेंडशिप के वजह से तेरा जो गेम प्लानिंग था जो था, तो इसलिए तो निर्णय नहीं ले पाया, क्लियर निर्णय नहीं ले पाया। उतना ही इजाज़ है, इजाज़ बस उतना ही बोला था इजाज़ ने, बोला राखी के लिए खेल रहा हूँ। उधर जा अली के साथ जाके बोल रहा है कि तुझे इम्यूनिटी मिला तो तू मुझे बचाएगा क्या? तो जा अली ने बोला भाई मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है जैस्मिन, सेकेंड है राहुल। तो उसने बोला ठीक है, उधर से आ गया। तो ये उधर भी जा रहा है, वो उधर भी जा रहा है, तो इसीलिए मन्नू ने क्लियर नहीं कर पाया कि मैं किसके साथ खेलूं। मैं तो मन्नू के लिए एक ही बात बोलूंगी, भाई तू अपना गेम खेल, किसी के लिए नहीं, किसी के क्या बोलते हैं, उसने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा, नहीं। तू अच्छा गेम खेलने वाला है तो अपना ही दिमाग से खेल, तो अपना गेम बना, किसी के जैसे चलने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी, उसमें भी चढ़ने आ गया। और वो नाम लेने में क्या प्रॉब्लम होता है, चुप रह बोला तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम है? वो इजाज उतना ही दिखता है, लड़ने के टाइम ही दिखेगा उसका, ऊंचा शोरी सुनाई देगा। और एक बोलता है ये मेरा नाम लेता है शायद, तो वो सामने नाम लेता है, आप दूर दूर जाके उसके पीछे नाम लेते हो, फर्क उतना ही है, कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा है पर मत हो, गेम है, गेम की तरह खेलो। मैं तो यही बोलूंगी इजाज को। और दूसरा पॉइंट है जो बेडरूम के जगह का, अर्शी ने जो बोली, राखी ने जो बोली निक्की के लिए, मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। इतना कुछ मत बोलो, एक औरत हो के, एक औरत के लिए इतना कुछ मत बोल, मर्दखोर क्या क्या बोल रहे हो, शब्द हाय छो, इतना कुछ बोल रहे हो, मत बोलो। वो बच्ची है, उम्र में कम है, बस आपसे तो बहुत कम है वो, तो मत बोलो, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। पर एक तरफ है कि भाई ये कर्मा है, पलट के आता है, और निक्की ने भी नहीं छोड़ी है, इससे पहले जो इतना नीचे लेवल तक जाके करने वाले नहीं थे, तो उसने भी बहुत की है। राहुल वैद्य को देखो कितना कुछ बोली वो उस दिन, पिछले वीक में, तो अभी तेरे से 4 गुना ज्यादा आ गए हैं ये, तो तू सह नहीं पा रही है, तुझे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, और इनसे छोटी भी है, मानते हैं, तो मत कर, है नहीं बोलना चाहिए था। और बोलेंगे कि अर्शी के साथ है और जी के साथ गया है, राहुल गंदा गया, नहीं गंदा नहीं है, आप समझो वो गेम खेल रहा है, क्योंकि निक्की के साइड में कौन है, मन्नू है, मन्नू का गेम खराब करना ही है, मन्नू को तोड़ना ही है। तो मन्नू अच्छा कॉम्पिटिटर है, अच्छा है, तगड़ा है, तो मतलब अच्छा खिलाड़ी है ना, तो अच्छा खिलाड़ी को ही कमजोर करोगे तभी ना आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से राहुल ये गेम खेल रहा है, उसका कोई ऐसा सगा हो दोस्ती कुछ नहीं है, दोस्ती जो है अली के साथ है। तो यहाँ तक मत सोचो, गंदा पहले मत सोचो, किसी के लिए भी गंदा मत सोचो पहले। तो ठीक है, मैंने ट्विटर में भी देखी थी, बहुत कुछ आ रहा था उसमें, आए गंदा देख रहा है, गंदा एक खबर ही तो अलग ही है उसका चल रहा है, परवाह नहीं है मुझे। अपन पहले देख लो गेम को क्या सोचना है हमारे हिसाब से। हाँ जिसकी तरह इतना कुछ नहीं है, उसको भी पता है किस लेवल तक जा रहे हैं, पर बोला उसने, तूने गलत बोली है तो माफ में मांग ले निक्की से, वो इतना बोला राहुल, बस बात सही है, वही भी है। और उससे पहले का उसने नहीं सुना, शायद वो बाहर था या बाथरूम में था, तो उसने बोला ऐसा ऐसा, तो तूने गलत बोली है तो तू माफी मांग ले, माफी नहीं दे रहे तो उनकी प्रॉब्लम है, बस हो गया, इतना तक बोला था, और कुछ भी नहीं है। और तो छोड़ो, बात ही खत्म है, जो राहुल ने बोला वही है रूबीना का, जब तक अभिनय घर में रहेंगे तब तक रूबीना का गेम सही उधर होने वाला नहीं है। रूबीना कुछ बोलेगी तो वो टोकता रहेगा, चुप रह बोलेगा, जब जहाँ स्टैंड लेना है उधर भी स्टैंड नहीं लेने देगा, उसको बोलने नहीं दे रहा है। फनी वे में ले है, कैसे फनी वे में ले, एक बार का है, दो बार का है, वो तो सिर में चढ़ के डांस कर रही है हर किसी का, उसका तो है ही, बिना बात के आग जला के जा रही है झूठ झूठ बोल के। तो ये नहीं करना चाहिए अभिनव ने भी, रूबीना अच्छा खेल रही है, उसको खेलने दो, आप नहीं खेल रहे हो परवाह नहीं है। उसके ऊपर जैस्मिन आ गए वकालत करने के लिए उधर, हाँ ऐसा मत कर, ये बिग बॉस का घर,
बिग बॉस का घर कम पंचायत ज्यादा लग रहा है। अब हर किसी का घर का मामला लेके पर्सनल मामला उठा रहे हैं, उसका धजिया उड़ा रहे हैं। पिछले साल भी बिग बॉस में वही किया रश्मि का और अरहन का, इस बार रूबीना का। हद हो गई, मुझे तो सच में हद हो गई। ये बिग बॉस का घर कम पंचायत ज्यादा लग रहा है। और हमारा सलमान खान बने हैं क्या बोलते हैं सरपंच, मेल मिलाप करवाने वाले बने हैं। बस मुझे इतना ही है बोलना है। और सब अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, बस जहाँ तक जाएंगे जाएंगे। सबके लिए मेरा अच्छा खेलो बस यही है। मेरा अच्छा सपोर्ट एक ही के साथ है, नहीं जो अच्छा खेलेगा मैं उसी के साथ हूँ। राहुल अच्छा पॉइंट रखता है, मैं इसलिए उसके साथ हूँ। रूबीना अच्छा रखती है, इसलिए मैं उन दोनों को पसंद करती हूँ। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सर। कल्पना जी, सबसे पहले तो मैंने शायद बोलना, मैं चाहती होंगी कि वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के बोलिए क्योंकि बहुत शेकी है वॉल्यूम आपका, जो कल का ऑडियो था। बट आज वॉल्यूम बिल्कुल और सेट आज है, तो बिल्कुल बहुत सही बढ़िया है, तरीके से है। बिल्कुल अच्छे से आपने बात को समझा है। तो बाकी आपने जो अपनी बातें कही, आपने अपने ऑडियो में कह दी, उसके ऊपर मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि जो गेम है, जो राइट है, जो रॉन्ग है, हम अपने कंटेस्टेंट के हिसाब से देख रहे हैं। बट अगर गेम के हिसाब से देखेंगे तो हमें राइट रॉन्ग एग्जैक्टली समझ में आएगा। बाकी जो तो बात है ना जूजी, जो जो निक्की वाली बात इन्होंने कही है, तो वो कहीं ना कहीं काफी लोग कह रहे हैं कि बुरा लगता है निक्की के बारे में, कि निक्की के साथ ऐसा, लेकिन कहते हैं कि कर्मा रिटर्न्स। कर्मा रिटर्न्स नहीं। दूसरी चीज क्या है ना, मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात शेयर की थी, फिर से थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि निक्की ने इस बात को छोड़ा नहीं है। निक्की ने उसको जब वीकेंड शुरू हुआ था, वीक शुरू हुआ था, तभी निक्की को गालियां पड़ गई थी राखी सावंत से, टास्क शुरू हुआ था। तो निक्की से राखी ने माफी मांग ली थी क्योंकि मन्नू ने और जैस्मिन ने समझाया था, बट निक्की ने उस बात को छोड़ा नहीं क्योंकि वो जो वीकेंड का मुद्दा वार पकड़ने के लिए उनको पकड़ने एक के तक लिए, बोलने कहा बिल्कुल था। बिल्कुल। और वो मुद्दा उन्होंने कंटिन्यू रखा डे लास्ट तक, फ्राइडे तक। यही चीज राहुल ने उनको कही कि राहुल ने कि निक्की ने फ्राइडे तक ये जो आपके ऊपर जानबूझ के ये प्रेशर डाला है, जी धमकाया है आपको कि उनका वीकेंड है का वार में होगा। तो ये यही बिग बॉस की गेम है। बट निक्की अब समझ के खेल रही है ये मैं कहूंगी। बट जब आप जो लड़ाई बहुत ऊपर पहुंच जाती है, जब आप अपना आपा खो जाते हो और आपको कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो कंट्रोल नहीं रहता ना तो राखी पे ना ही निक्की तंबोली पे। तो मैं इनमें दोनों को किसी को भी नहीं बोलूंगी। हाँ राखी को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, नेशनल टीवी पे मर्दों से ऐसी वैसी बातें नहीं जी बोलनी जी चाहिए थी। तो ये जरूर है। थैंक यू सो मच आपके कल्पना जी ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं नवीन जी, जी आगे आपको मैं सुनाती हूँ विशाल जी का ऑडियो। हेलो हंगरी स्पिरिट, हेलो एवरीवन। जासमिन बसीन के लिए बात करूंगा, जिस तरह उन्होंने कल गेम में टास्क में अपनी 100% दी, साथ ही साथ वो इंटरटेनिंग भी बन रहा था। इसीलिए जासमिन बसीन हमेशा टास्क में अपना 100% देती है और टास्क को जीतने की पूरी कोशिश करती है। तो ये इनके लिए आपसे ये कहना, जासमिन बसीन आगे बढ़ते रहो, हम सारे आपको सपोर्ट्स है। वेल प्लेड जासमिन बसीन। सेकेंडली बात करूंगा एजाज खान और राहुल वैद्य की। तो जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि राहुल वैद्य सिद्धार्थ शुक्ला है, तो सिद्धार्थ शुक्ला कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करता था उसके होल सीजन्स में। ये सिद्धार्थ शुक्ला का प्लस पॉइंट था। और राहुल वैद्य, आप तो हमें स्वामी ओम के रूप में नज़र आते हो, जिस तरह से आप शब्दों का प्रयोग करते हो किसी के लिए, तो ये सच में हमें आपका सिद्धार्थ शुक्ला वाली क्वालिटी बिल्कुल नहीं दिखती है। और एजाज़ खान को जिस तरह से कल आप फालतू का पोक कर रहे थे, फोक कर रहे थे, क्योंकि मालूम है इंसान में कितना पोक होता है, उससे अगर उससे कोई बोल भी था तो एजाज़ खान पोक हो जाता है। आप बस आप बाहर से अपनी प्रॉपर्टी देख के आए हो, और आपने ये भी कहा है कि फ्रेंड आपके फैन से कि अंदर मैं खेलूँगा, बाहर आप मेरे लिए सपोर्ट करना। तो सच में आप अपनी प्रोपालिटी के देख के जी रहे हो, बट हम आपसे ये कहते हैं राहुल वैद्य, आप इस शो में अभी किसी भी हालत में जीतने वाले नहीं हो, ये आप आज ही लिख के ले राहुल वैद्य जी। हमें आप में वो जीतने की पोटेंशियल नहीं दिखती है, ये हमारा पॉइंट है आपके लिए। सेकेंडली बात करूँगा राखी, थर्डली बात करूँगा राखी सावंत और निकी तंबोली की। जहाँ पर राखी सावंत ने कल उन्होंने जिस शब्दों का प्रयोग किया, तो मेरा सिंपल एक फंडा है कि सबको मालूम है राखी सावंत बाहर कैसी पर्सनालिटी है, तो अगर उससे कोई पंगा लेता है तो उसी उसकी वो बैंड बजा के उसको उसकी फैमिली पे कितना भी गंदा बोलेगी वो, तो आप उससे पंगा क्यों लेते हो?
अगर निकी तंबोली आपको मालूम है कि हाँ मैं मानता हूँ कल आपको उन्होंने बहुत सारे गंदे शब्दों का प्रयोग किया, शायद आपको ये अच्छा नहीं लगा होगा, बट मैडम जी आपने भी बहुत सारी गालियाँ दी है, हमने देखी है, तो मुझे यहाँ पर गिवन राखी सावंत की जो पर्सनैलिटी है उससे कुछ इशू नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा बिग बॉस को कंटेंट मिल रहा है, इसीलिए राखी सावंत आई है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बाप रे बाप, वाह विशाल जी बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। तो आप बोलिए नवीन जी, क्या सही बात है जी। मैं तो ये है कि राहुल वैद्य लग रहे हैं स्वामी ओम। हाँ तो ये बात सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही बात है कि सिद्धार्थ शुक्ला बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, नामुमकिन, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला चुगली नहीं करता लोगों की, राहुल वैद्य तो बहुत करते हैं। और सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी गेम देखी नहीं थी बाहर आके, राहुल वैद्य ने जैसे आपने कहा देखी है, और जिस तरह से आपने कहा है डेफिनेटली हम आपकी बात पे ट्रस्ट करते हैं कि वो बाहर कह के आए कि आप बाहर खेलिए फैंस, मैं अंदर खेलूंगा। मुझे पता क्या लगता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं, ये अपने आप को आसिफ रियाज बना रहे हैं और एजाज खान को सिद्धार्थ शुक्ला। चलिए ये तो अब गेम चली है तो बाद में पता चलेगा कौन क्या है, बट फिलहाल ना तो यहाँ पे आसिम रियाज नजर आ रहा है ना ही सिद्धार्थ शुक्ला नजर आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़े नवीन जी। जी बढ़िया, तो आगे हमारी प्यारी रानी जी का ऑडियो सुनाते हैं आपको, जो बड़े स्वीट वॉइस में भेजती है, चलिए सुनते हैं क्या कहती है। नमस्कार जी अंजू जी, नवीन जी, हाउ आर यू। चलो बात करते हैं बिग बॉस की, आज बिग बॉस शुरू होता है और निकी ने और राहुल ने मिलके बना दिया अली गोनी को कैप्टन, राखी की वहीं पे रह गई, सिर्फ एक वोट मिला उसे, एक जनी ने खोला उसका डोर, वो भी कश्मीरा थी, और कश्मीरा आज सिर्फ दो या तीन बारी दिखाई दी, वो सिर्फ कान में फूंक मारती है राखी के, निकी के अगेंस्ट, और निकी के साथ मिलके, निकी को ये तीनों लड़की औरतें कहूँगी, लड़कियाँ थोड़ी हैं, तीनों औरतें मिलके इसको निकी को इतना परेशान करती हैं, बेचारी इतनी छोटी है इनसे और इतनी गंदी गंदी बातें करती हैं। मेरा एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो ये बातें कर रही हैं, एवरीबडी सेज के बिग बॉस को टीआरपी मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, लेकिन कौन सी कॉस्ट पे, किस स्टैंडर्ड पे गिर के मिल रहा है कौन? ये जो इन तीनों ने मिलके गंदा माहौल बनाया, स्पेशली अर्शी ने घर का माहौल इतना गंदा, इतना डर्टी बना दिया कि आज रूबीना भी कह रही थी कि घर का माहौल एकदम खराब हो गया, एकदम गंदा हो गया, क्या स्टैंडर्ड रह गया यहाँ पे? राखी कहती है कोने में जाके उससे बातें करती है, अरे भाई कोने में जाती तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, कोई कहीं भी बैठे, व्हाट सर प्रॉब्लम, यह भी बैठ जाए जाके अगर बात करनी है तो। लेकिन जो स्टैंडर्ड इनका घिरा है ना इस घर में, इसका कहाँ जाएगा ये, आई मीन ये बिग बॉस देखने लायक रह जाएगा अगर यही स्टैंडर्ड रहा तो? कैसी कैसी बातें करते हैं, उसने ये किया, उसने ऐसा किया, इतना लो लेवल पे गिर के ये बातें कर रहे हैं ऐसी, तो ये बिग बॉस जाएगा कहाँ, इसका स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आता कि इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं ये लोग, कौन सा कंटेंट दे। और राहुल की भाषा देखो, कह रहा चुप कर बे, एजाज को कहता चुप कर बे, इतना बदतमीजी से बात करता है, फिर इनकी बहस होती है, लोग बीच में आ जाते, चलो मारा मारी तो नहीं होती है लेकिन इतना क्लोज आ जाते हैं और बेकार की बातें करते हैं, हु हा ऐसे लड़ाई करते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। और राहुल इतनी बकवास कर रहा है, पता है क्या, ये अली और राहुल जब से बाहर से आए हैं ना, इनका स्टैंडर्ड भी चेंज हो गया, इनकी लैंग्वेज भी चेंज होगी, इनकी बातें भी चेंज होगी, इनका स्टाइल ही चेंज हो गया खेलने का। पहले अली भी मुझे अच्छा लगता था, राहुल भी अच्छा लगता था, लेकिन अब ये गेम ही नहीं रही इनकी, एवरीथिंग सब कुछ बदल गया, और उसी के बेस पे दूसरे भी इफेक्ट हो रहे हैं कि ये बाहर की बातें करते हैं, तो इनको बाहर की बातें करने की टोकना नहीं चाहिए अब सलमान को, आई होप दिस वीकेंड पे टोकेगा कि ये गलत कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि पहले राखी अच्छी गेम खेल रही थी, अच्छा जोक कर रही थी, कॉमेडी भी कर रही थी, लेकिन आज जो भाषा, आज जो बातें इसने की है ना, मुझे तो कॉमेडी नहीं लगी, लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, वो कहते होंगे कॉमेडियन है अच्छी है, कैसी कॉमेडियन है उससे ऐसे बातें कर रही है, इसके इतने होंगे, ऐसे होगा, ये होगा, फलाना होगा। और निकी ने अच्छा किया इसको सुना दिया कि आप 15 साल क्या करके आई हैं, सबको पता है,
तो उसी पे फिर ये चिढ़ गई, फिर उस पे चढ़ गई, कहने लगी क्या करती है क्या करती है। और कश्मीरा भी बीच में फूंक मारती है, और अर्शी तो है ही आग लगाने वाली, ये तीनों फिर उसके पीछे पड़ जाती हैं। और फिर अच्छा हुआ कि मनु साथ में आ गया और उसने डिफेंड किया निकी को, लेकिन इनकी भाषा नहीं रुकी, इनकी बातें नहीं रुकी, इनकी बकवास नहीं रुकी, ये वैसे ही बातें करती रही। और यहाँ भी जब ये दोनों तीनों बैठी थी बातें कर रही थी निकी की, तो राहुल भी आ गया बीच में आग लगाने के लिए कि हाँ उसने ऐसा कहा था, ये बातें हो रही थी, पता नहीं क्यों ये यहाँ पे आग लगाने आ गया। एनीवे लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। मुझे वो पार्ट अच्छा लगा जहाँ सब डांस कर रहे थे, अच्छा था, सबका डांस अच्छा था, लेकिन राहुल का पेट कैसे हिल रहा था, वो ऐसे मस्ती में पेट हिला रहा था, इतना फनी लग रहा था। और राखी कैसे उसके ऊपर एंड में चढ़ गई, एकदम से उसको उठा लिया, दोनों ही भारी भारी हैं, पर डांस ऑल टुगेदर अच्छा था, आई इंजॉयड इट। और जैस्मिन का और अली का भी डांस अच्छा लगा था, और निकी का और मनु का भी अच्छा था, या मनु की जोड़ी और निकी की जोड़ी अच्छी लग रही थी, दोनों में अच्छी केमिस्ट्री बन रही थी। तो ऐसे उन्होंने कहा भी कि अच्छा है केमिस्ट्री बनाओ, और जो बना भी लें तो के व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, जो अच्छे लगते हैं। और पहले जब रूबीना लेटर पढ़ रही थी बिग बॉस की, तो अर्शी कैसे इंटरप्ट कर रही थी खास खास के, यानी कि उसका मजाक उड़ा रही थी। तो यहाँ पे रूबीना ने अच्छा किया कि पहले तू खांस ले, मैं बाद में पढ़ती हूँ। सबको मालूम था वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और मजाक उड़ा रही थी, तो बाद में फिर सब ने मनाया और उसने लेटर पढ़ी। लेकिन बाद में सब रूबीना को क्यों गलत कह रहे हैं, उसने चंगा अच्छा स्टैंड लिया, तो जैस्मिन क्यों कह रही है कि लेट इट गो और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में रूबीना सही है, उसको यही कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि अर्शी को पता होना चाहिए कि उसको कोई ऑफेंड भी कर, उसको कोई अपोज भी कर सकता है, सारे टाइम उसकी नहीं चलेगी कि वो बकवास कर दे और बात ख़त्म हो जाए। तो आई थिंक दैट्स इट आज इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, फिर बहुत बड़ा हो जाता है सारा सारा ऑडियो, तो दैट्स नो फेयर ऑन अदर्स। सो थैंक यू वेरी मच। बस एंड में इतना कहूँगी कि मुझे आज राखी का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसका बोलना, उसके बातें नहीं अच्छी लगी, ना ही अर्शी की और ना ही इसकी क्या कहते कश्मीरा की। कश्मीरा तो वैसे है ही नहीं पिक्चर में, कहीं नज़र ही नहीं आती, होपफुली कल चली जाएगी। बट एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय। सही है, गुस्सा रानी जी का जायज है ना, कि वो बिल्कुल सही कहा था, ये मुद्दा किया तो सही था, चलो सही किया, तो वो पकड़ के रखना चाहिए था रूबीना को, या तो भैया नहीं करूंगी फिर अब मैं पढ़ो, है ना। तो वो जैस्मिन भसीन भी खैर अपनी गेम भी खेल रही है, बाकी जैस्मिन भसीन ही नहीं, अभिनव शुक्ला ने भी कहा था कि भाई हर किसी के साथ दुश्मनी मत लो, ऐसा कहा। और उन्होंने कहा था, क्योंकि अर्शी ने अभिनव शुक्ला को कहा था कि मैं बेइज्जती करूंगी अगर मेरे साथ पंगा लेंगी, तो आप बचाएं, मैं इज्जत करती हूं उनकी। बाकी तो बात यह है कि जो ये अर्शी खान और राखी सावंत की बात कर रहे हैं, जो बदतमीजियां की बात कर रहे हैं, तो वो तो अभी शो में जो हमने आज वीडियो बनाई कि इनको तमीज की डोज मिल भी गई है तो आप निश्चिंत रहिए। जी जी, तो ये आखिरी ऑडियो था नवीन जी, कोई और चीज है आपके पास जो? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। जाते जाते ना मैं एक और, आपने कल्पना जी का ऑडियो बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनाया था तो कल्पना जी ने एक चुटकू सा ऑडियो और भेजा है हमारे लिए, मुझे लगता है कि जो तो हमने कहा था ना कि जो उस जंग की बात की थी कि जंग में भगौड़ा आता है, तो उन्होंने उस भगौड़े का जवाब दिया। तो ये तो जरूर सुनाना चाहिए, नहीं तो कल्पना जी के मन में रह जाएगा कि ये अपनी बात जो इनको कहा है वो नहीं सुनाते हैं। तो सुनिए क्या कहती है, हम भी सुनते हैं। कैसे हो मैम, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो ये राहुल को भगौड़ा बोल रहे हैं ना, उनको मैं एक की बात पूछना चाहती हूँ। चलो आपको कोई आके बोले, पहले शो शुरू होते ही बोले कि आप एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट का जगह रोक रहे हो, आपके वजह से एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट चला जाएगा, तो आप क्या करोगे उस टाइम? बोल रहे हो ना, वार में जब मैदान में लड़ाई में आप खड़े हो, उधर से आप भाग रहे हो, ये बताओ आप,
ये समझो आप, इसको आप भगोड़ा बोलोगे या इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन हार्ट बोलोगे। चलो भाई, मेरी वजह से कोई अच्छा कंटेस्टेंट जा रहा है तो मैं उसका ठाऊं, उसके जगह को क्यों रोजू, मैं क्यों बेस्ट करूं, है ना। मेरी वजह से कोई अच्छा ना जाए तो मैं चला जाता हूं, ये इसमें उसकी महानता हुई या मूर्खेती हुई, बताओ आप मुझे। जो भी ये बोल रहे हैं ना राहुल को, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा, थोड़ा सोच के बोलो, ठीक है। उसको उससे पहले क्या बोला उसने, सलमान ने, आप अच्छे एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट का जगह को रोक रहे हो, उसका जगह आप रोक रहे हो, आपकी वजह से वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट बाहर चला जाएगा, बोला कि नहीं। तो उसके बाद क्या बोला, हाँ मैं मेंटलिटी हूँ मैं ऐसा। तो उसके बाद उसने कन्वर्सेशन करना चाहा तो क्या बोला, नहीं चाहिए आपका, कुछ सुनना नहीं है, बोला कि नहीं सलमान ने। एक मुद्दा पकड़ के मत चलो, उसने क्या बोला है, उससे पहले क्या हुआ है वो सोचो पहले। उसकी मूर्खाइती नहीं है, उसने मेरे वजह से कोई अच्छा क्यों चला जाए घर, उससे अच्छा मैं चला जाता हूँ घर, मुझे घर की याद भी आ रही है, ठीक है। और उससे पहले निक्की तंबोली ने जो किया था उसके बाद तो कोई खड़ा नहीं था, कोई नहीं उसके होते हैं, तो इसलिए वो गया था। आप उसका नाम बोल रहे हो भगोड़ा, सीरियसली, हद है। एक शब्द किसी ने बोल दिया उसको भगोड़ा बोलोगे, उसकी महानता है मेरे वजह से कोई ना जाए तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है। अरे 2 दिन पहले अच्छा खासा हंस खेल रहा था, अच्छा खासा, उससे पहले उसने कभी नहीं बोला मुझे घर में, घर की याद आई तो उसी दिन क्यों, उसी दिन कैसे बोल ये गया तो वो, बात काफी थोड़ा सीरियसली समझो ले ना गए इनको हैं। भी। तो बाकी बात यह है कि भैया अगर आप चले गए थे तो फिर वापस क्यों आए? नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज़ जो इन्होंने, क्योंकि ये राहुल से बहुत प्यार करती हैं, ये तो इनके ऑडियो से बिल्कुल दिख रहा है। बट मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि राहुल जो है कहीं ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे राहुल को जो फूलों की सेज मिले या रेड कारपेट मिले। ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे सलमान खान भी कहेंगे, बाकी कंटेस्टेंट भी कहेंगे, बट आप क्या अपने आप को डिजर्विंग फील नहीं करते हो? अगर आप नहीं करते हो तो आप जरूर चले जाओगे शो से। आपको भी लगता है सलमान खान की तरह कि मेरे से ज्यादा कोई डिजर्विंग है, और सलमान खान ने कहा है, आप मान लेते हो और आप चले जाते हो। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूं कल्पना जी, बिल्कुल साफ शब्दों में कहूंगी, क्योंकि ये बिग बॉस का गेम है, यहाँ पे हर पल में आपको ऐसी डायलॉग सुनने पड़ेंगे। ये और महान बनने का शो तो है ही नहीं। महान बनोगे तो जाओगे बाहर, भगोड़े नेहा साबित पेंट होगे। से, नेहा हाँ पेंट से बहुत बड़ी उदाहरण है। वो हाँ विनिंग कंटेस्टेंट थी भाई, महान बन रही थी, बिग बॉस ने उठा के निकाल दिया और बेचारे महान बालक। वालों को तो बिग बॉस सबसे पहले बाहर करते घर हैं, जाके महान थोड़ी देर बन। तक समझाते हैं, फिर बोलते हैं भाई जाओ घर में। यहाँ तो एक तो मिस कर रहे थे घर को अपने और उनको ये बहाना मिल गया, या फिर ये पूरी की पूरी गेम प्लान था, क्या था। बट भगोड़ा ही कहते हैं, आप चाहे मानो चाहे ना मानो। अगर आपको भी लगता है जो सलमान खान ने कहा कि डिजर्विंग कैंडिडेट मैं नहीं हूं, मेरे से ज्यादा है, तो आप चले जाओगे, है ना, या फिर आप, अपनी ईगो हर्ट होगी आपकी इसलिए आप चले गए। अल्टीमेटली डिसीजन आपका ही था, चाहे सलमान खान आपको जो मर्जी कहें, जब तक सलमान खान आपको नहीं कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम माय शो, जैसे सलमान खान पहले कर चुके हैं, तब हम सलमान खान की गलती मानेंगे। यहाँ पे हर पल में हर जगह पे टेस्टिंग टाइम होता है बिग बॉस के घर में, ये आप मान के चलिए। ये रेड कारपेट नहीं है, ये पूरा कांटों का बिछाया हुआ जाल है, कांटे आप कितने झेल सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, भागोगे तो भगोड़ा ही कहलाओगे। थैंक यू सो मच कल्पना बाकी जी। बात यह है कि राहुल वैद्य को ये सोचना चाहिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों लोगों का का काम काम है है कहना कि आगे बढ़ो अपनी कहना। गेम खेलो। हाँ, अगर नहीं जाते तो आज हम कह सकते थे कि राहुल भी विनिंग कंटेस्टेंट है, अब वापिस आए हैं तो ये उनके ऊपर एक दाग लग गया वो है, गेम अपनी खराब कर दिया खराब कर थोड़ी। लिए उन्होंने। तो चलिए कल्पना जी, मजा आया आपका ऑडियो सुन के, ऐसे ऑडियो सुन के मजा भी आता है, हमें भी थोड़ा बात करने का मौका मिल जाता है। थैंक यू सो मच। तो नवीन जी, जाते जाते नंबर शेयर करें। जी दोस्तों, तो जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए जैसे इन कलाकारों ने भेजा है, अपने दिल की बात कही है, आप भी कहिए और देखते रहिए चैनल हंग्री हंग्री स्पिरिट्स। स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.